आज से 6 वर्ष पूर्व मेरे 5 साल का कार्यकाल देखा है। ठीक है, मैंने बहुत सारी गलतियां की थी, किंतु तो एक चीज की गारंटी जरूर रही कि कभी कोई फोन किया तो उसके फोन को अपन 10 मिनट 15 मिनट अगर नहीं उठा पाए तो उसके फोन का जवाब दिए हैं, और यथासंभव चाहे वो अस्पताल का मामला हो, लोगों को किसी प्रकार की सेवा की समस्या हो, लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। और देख, मुक्ति धाम में लकड़ी की बात थी तो लकड़ी आज से उपलब्ध हो गई है, और जो भी जरूरतमंद है उसको कहीं लकड़ी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। आज ही सुबह एक गाड़ी लकड़ी मुक्ति धाम में पहुंच चुकी है। तो आप सभी को किसी प्रकार की बड़े काम का मैं वादा नहीं करता हूं, मैं जो आपके छोटे छोटे काम है, पर मैंने मेरी धर्म पत्नी जी, हमारे 7 पार्षद एवं कांग्रेस के भी जो 11 पार्षद 2 हमारे निर्दलीय, हम सभी 20 मिलकर, क्योंकि शहर की जनता ने सभी को अपना मत दिया था और तभी सभी पार्षद बने, वो तो आप सभी का आशीर्वाद था। हम 7 थे, 7 से 10 हुए और 10 में भी ऊपर वाले का आशीर्वाद था, तो ताश में हमारा नए भाई अनिल खटिक भी जीता। तो भैया ऊपर वाला भी चाहता था कि शहर में परिवर्तन हो। मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा कि कांग्रेस की सरकार है, इन 3 वर्षों में अगर एक भी जनता बता दे कि मेरे पास मेरी विधायिका का फोन नंबर है और मैंने उनसे फोन पे बात किया और मेरा काम अगर एक भी कोई शहर में यहां पर दिख रहा हो, हाथ उठा के बता दे। और भैया लाल जी का फोन नंबर कितने लोगों के पास है, थोड़ा हाथ उठाए। यही अंतर है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में, वो केवल झूठा वादा करते हैं, अपने लोगों के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। इस शहर की जनता ने उन्हें 11 पसीनाएं किए किंतु कोई हमें दिगा नहीं पाया, तोड़ नहीं पाया। आपस में लड़ाने का प्रयास तो बहुत हुआ किंतु जनता है सब जानती है। धन्यवाद। मेरे पति चुनाव आ चुके थे, इसके बाद में निराश हुए, तीन बार ना, लेकिन मुझे इतना विश्वास मिला और मैं चुनाव जीत कर आई। मेरी मुसर्रत बहन जिन्होंने मेरा साथ दिया और मेरे छोटे खान भाई उन्होंने मेरा साथ दिया, जिनका मैं आजीवन धन्यवाद करती रहूँ। और पार्टी के मुखिया मेरे भैया लाल जी और मेरे कृष्ण बिहारी भैया, पार्टी के सभी मेरे भैया लोगों ने मेरा सहयोग बहुत आगे बढ़ चढ़ कर दिया है। और मैं यहाँ पर कोई वादा लेकर नहीं आई हूँ, यहाँ पर मैं इरादा लेकर आई हूँ, इरादे के साथ काम करूँगी और आगे बढ़ूंगी। अगर आप सभी का सहयोग मुझे मिलते रहेगा इसी तरह से, धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। सब ज्यादा कुछ मैं नहीं बोल पा रही मेरे नजर।